हेलो, मेरा नाम प्रगति त्रिपाठी है और मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे लास्ट ईयर नीट में 577 मार्क्स थे और इस साल मैं 648 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ एनटीए की ऑफिशियल एनसीसी से। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप सब लोग भी एक प्रॉपर स्टूडेंट हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए FLT एक वरदान जैसा हो सकता है, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को कई बार रिवाइज कर सकते हैं। हर वीक अगर आप एक FLT टेस्ट देते हैं तो आप मिनिमम कम से कम 10 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और लास्ट में आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बायो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 360 out of 360 गेन करें तो इसके लिए आप UBT ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी मिस्टेक्स बहुत ईजिली पता चलेंगी, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा होता है कि आप NCERT के बिना एक लाइन पढ़े उसको सॉल्व भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी एक तरीके से और भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि अगर आप हर एक वीक एक टेस्ट देते हैं तो इससे क्या होगा, आपका नीट देने का फोबिया जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप से ही जीत जाएंगे और फिर डरेंगे नहीं टेस्ट देने से। इस तरीके से जब आप फाइनल टेस्ट देने के लिए नीट के टेस्ट सेंटर पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आपको ये फील होगा कि मैं तो बस टेस्ट ही देने के लिए आया हूँ, और आप इसमें काफ़ी अच्छा अपनी एफिशिएंसी को बहुत अच्छे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपके अंदर डर नहीं रहेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहेगा, और इससे क्या होगा कि आप उस 3 घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ। वरना मेरे तो टेस्ट में 550 प्लस बहुत मुश्किल से ही पहुँच रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने 648 अगर गेन किया है तो वो बस उस 3 घंटे की एफिशिएंसी की वजह से हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं उस दिन बिल्कुल डर नहीं रही थी, मेरे अंदर का फोबिया ख़त्म हो चुका था। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर SP सिंह सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है बच्चों के लिए। और इसके अलावा मैं सुशील मिश्रा सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो हमारे वाराणसी के टेस्ट इंचार्ज थे। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की टेस्ट सीरीज में, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी बहुत हम्बल तरीके से सॉल्व करते थे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू नीलर टीम।